बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उनका प्रोग्राम हमने गुरुवार को डिसाइड किया है यानी कल, लेकिन बच्चों का दिल न्यू मॉर्निंग से जुड़ा हुआ है, वो पहले आना चाहते हैं। हमारे बीच जो बंदा चयनित है, जो आज पधारे हैं, उसका नाम है राजू गुजर। और राजू गुजर कल इस कारण नहीं आ सकता है, आपको पता है धार्मिकता, बाबा जी का, देव जी, देवाली छठ है, ये बंदे की आराधना है कि पैदल जाते हर बार, तो कल उस टाइमिंग पे कहाँ रहेंगे, पैदल जाएंगे। तो मैं इनको मना नहीं किया, कोई बात नहीं, तो इनका दिल ऐसा लगा कि नहीं मैं एक दिन पहले जाके मिठाई खिला के चला गया, लेकिन सर के पास जाना पहले जरूरी है। इसका नहीं बंदा यहाँ पधारे तो जोरदार ताली हो जाए। और आपको लग रहा है बिल्कुल नन्ना फौजी, भाई छोटा फौजी लग रहा है, ऐसे रोड पास करने के बाद ही मिठाई खिला के यानी माला पहन के गया उस टाइम भी। और अंततः फिजिकल भी फिट होकर, मेडिकल फिट होकर अपना चयन भी कराया है। गांव है इनका सुमेल, कौन सा है, सुमेल गांव से बंदा है, और लगन के साथ अपनी मेहनत की जो आपके सामने देख लो। मैं इस प्रोग्राम के अंदर जो इनके मित्र हैं शैतान जो साथ आए हैं, उनको भी आग्रह करूंगा कि आप आगे पधारें। शैतान और इनके गांव से खुशी में जो माहौल बना हुआ है, यहाँ शिवजी भी आए हुए हैं, वो भी पधारें आगे। लगोगे आपके गांव के अंदर इतना खुशी का माहौल रहेगा, और जो परिस्थितियों का मुकाबला करके अगर कोई बनता है तो और बड़ा खुशी का माहौल रहता है। और राजू गुजर ने उन परिस्थितियों का सामना किया है, आप लोग उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर रहे हो जितनी परिस्थितियों का राजू गुजर ने सामना किया है। अब क्या परिस्थितियां हैं, आप लोगों के पेरेंट्स आपकी फीस जमा करा रहे हैं, आपको पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं बुक्स वगैरह, और जो भी कमियां आपकी पूरी कर रहे हैं। राजू गुजर के पेरेंट्स इस दुनिया के अंदर नहीं रहे, फिर भी इस बंदे ने कितनी समस्या का सामना किया होगा और आर्मी के अंदर लगा। क्यों भाई, आपकी फीस पेरेंट जमा करा रहे हैं, आपको खाने पीने की सब पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने किस तरह से सामना किया होगा, पढ़ाई की होगी बारहवीं तक और फिर आर्मी के अंदर लगना, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। तो पूरे गांव के अंदर ये राजू गुजर एक प्रेरणा का स्रोत बन गया, जोरदार ताली हो जाए। और इसी खुशी के माहौल में मेरे को याद है सर्दी के मौसम में 7 बजे का टाइम होता, और ये सुमेल की टीम भक्ति भक्ति आती, लेट नहीं हो जाए, लेट नहीं हो जाए, और सर्दी के अंदर दिसंबर के महीने के अंदर ठिठुरती सर्दी के अंदर ये लोग 7 बजे आते थे, भागते भागते पूरी टीम, टीम की 6-7 बच्चों की, सभी मेहनती बच्चे थे। अरे भाई कौन सी है, रसगुल्ले, बच्चे ऑटोमेटिक लेके आते हैं यहाँ की ये मिठाई, मैं नहीं कहता। नरेशी से आग्रह करूंगा कि आप भी इनको माला पहनाएं।
आपको ये बताना चाहता हूँ, स्पेशल इन्होंने अग्निवीर का बैच ज्वाइन नहीं किया था, फाउंडेशन बैच के अंदर थे पूरे साल वाले बैच के अंदर, और उनका इनको फायदा मिला। जो भी फाउंडेशन बैच का जो कोर्स लेते हैं वो अग्निवीर उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल बन जाता है और वो बंदा आसानी से उसको क्लियर कर लेता है। कोई अगर आपके भाई बंद हैं उनको अगर चाहते कि पूरे साल की तैयारी कराना तो उसको कराएं, उनके लिए आर्मी एक नॉर्मल बन जाता है। मैं राजू गुजर से आग्रह करूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप अपने दिल से इन बच्चों के लिए, ये सभी अग्निवीर के हैं, सब आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, ये फर्स्ट बैच है आर्मी का, सेकेंड दिन को आता है, थर्ड शाम को आता है, और आपके गाँव के भी बच्चे बैठे हैं, वो सब बताए ताकि ये भी आने वाला एग्जाम फाइट करें। मैंने यहाँ पे एक साथ बिल्कुल मैं एक साल लगातार आया, डेली टेस्ट लेता था और मैंने आर्मी के पेपर फाइल करने के बाद ट्रेनिंग मेडिकल से क्लियर किया था। उसी का आशीर्वाद से मैंने मेड फाइनेंस सिलेक्शन लिया और उस समय मैंने एक भी पैसा नहीं दिया। हमारे गांव के 7-8 बच्चा देते हैं, उसमें से हम 3-4 समय मतलब डेली टेस्ट देते थे, टेस्ट को हमारी कंपनी एक दो बार ट्रेनिंग उसके बाद सरकार से पास आर्मी सिलेक्शन। गाँव में माहौल बन गया, सारे बच्चे जो स्कूल छोड़ दिए वापस तैयारी करने लगे, सारे ने काम पकड़ लेते हैं और आज वापस वो आ रहे हैं 10 दिन बाद। 7-8 बच्चे आते थे डेली, सुमारा एक साथ ही राजेंद्र वो भी वापस आ रहे हैं। पढ़ने का कोई टिप्स इनको? मैंने मुझे जो नोट्स है उसको पढ़ लिया, दो दिन सर के बटन बढ़ाने के बाद वो 2.5 घंटा घर पर मेरे पेपर में 40% पूरे राइट थे, 40% राइट प्लस दौड़ के अंदर भी एक्सेल है। वाले कम से कम राइट होने चाहिए तो आप सेफ जोन में चलोगे, बाकी वर्तमान में पढ़ने वाले बहुत सारे महारथी हैं और दौड़ में अगर बाई चांस आपके गुड आ गया तो फिर आप बाहर हो जाओगे, अगर कम क्वेश्चन राइट है काफी बच्चे आउट हो गए। तो पढ़ाई पे खास तौर पर फोकस करें और इन्होंने जो मेहनत की है एक साल तक उसी का आपके सामने परिणाम है। टेस्टों का आपको बता ही दिया है, टेस्टों को आप नॉर्मल ना लें, और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे लड़के अगर कामयाब हो इससे बड़ी आपको हमको और क्या खुशी नहीं मिलेगी। अगर आपके गांव में अच्छा नहीं रहता, मैं बार बार ये कहता हूँ जिसके पैर बात ये कि आपके गांव में अगर वास्तविक ऐसे बच्चे हैं जिसके माता पिता नहीं हैं, चाहे लड़की हैं, ऐसा नहीं कि लड़कों को तैयार करें, कॉम्पिटिशन में लड़कियों को बुलाओ जिसके माता पिता नहीं हैं, जब तक वो नौकरी नहीं लगेगा किसी भी बैच में बैठ सकता है, चाहे अग्निवीर में बैठो, चाहे ओवरऑल में बैठो, चाहे पूरे दिन बैठो, और जिसके दोनों में से एक नहीं है वो आधी बीस में बैठेगा हर बात समय जब तक नौकरी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपके गांव, शहर, आसपास रिश्तेदार उनको आप अवगत कराया और उनको यहां पर लेकर आए। इनके दोस्त शैतान से आग्रह करता हूं, आपको अपना दोस्त लगने के बाद कैसा फील महसूस हो रहा है, वो सब बताएं। गॉड फील होता है, देखो दोस्त लगता है तो दोस्त को खुशी होती है लेकिन अंदर से थोड़ी होती है, वो तो नहीं हो रही है इतना सीरियस दोस्त नहीं है। अच्छा अच्छा ये बात है, इतना सीरियस दोस्त नहीं है ना, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा दिल पे लगनी चाहिए चोट के अगली भर्ती के अंदर मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। तो मैं साहब दो सब तो बोलना पड़ी आपको, चलो कैसा लग रहा है तो? हाँ भाई, आप एक और दोस्त बेटा क्लास के अंदर राजेंद्र आ गया ही है।
के गेस्ट फ्रेंडली। राजेंद्र को पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे भेजा है, और अगर राजू ने आपको भेजा तो इनके विश्वासों पे आपको क्या करना है, खरा उतरना है और अगली बार यहीं खड़े होकर मिठाई खिलानी है और खानी। अब दोस्त के लिए दो शब्द बोलते हैं, अगली बार आप मेहनत करो, अगली बार आपका भी चयन। अंत में राजू गुजर को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अग्निवीर के अंदर एक सिपाही पद पर जो तैनात हुए उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सिपाही से और बड़े पद पर जाए और मेहनत अपनी जारी रखें। और मैं आप लोगों से ये आशा करता हूँ कि आप भी अपने मिशन में कामयाब हो और अपने गांव के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, अपने भाइयों के अंदर एक बड़े प्रेरणा स्रोत बने, ताकि उस गांव के अंदर भी लोगों के अंदर पढ़ाई का रुझान बने और वो भी आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद। मेरे हिसाब से